और वैसे भी सिटी के लोग जो है वो रात को ज्यादातर निकलते हैं, दिन को निकलते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि दिन को बड़ी ज्यादा तेज धूप होती है और उनका रंग काला हो जाएगा अगर वो धूप में निकलेंगे और वो काले हो जाएंगे। मुझे तो कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि मैं पहले ही काला माला हूँ, ठीक है। और आपने मुझे बताना भी है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, सही है? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जमशेद भट्टी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरी तो यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, सलामत रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो जैसे कि आप सब ने देखा कि हम लोग टोका लगा रहे थे, बल्कि मेरा छोटा भाई टोका लगा रहा था, ये मेरे सामने जा रहा है। आज हम जा रहे हैं, अम्मी ने कहा कि आप लकड़ियाँ काट के लाएँ, तो मेरे हाथ में ये कुछ कपड़े हैं और उसके हाथ में वो टोका है। तो गांव में यही होता है कि जब बकरियों का चारा काटना हो या फिर भैंसों के लिए या फिर कुछ ऐसा वैसा कुछ भी करना हो, तो फिर हमें खेतों की तरफ मूव करना पड़ता है। गांव के बहुत एडवांटेजेस भी हैं, मज़े भी हैं, ठीक है। और सिटीज़ में, सिटीज़ के अपने मज़े हैं, गाँव का अपना मज़ा होता है। गांव में ये आप देख लें कि खुली हवा होती है, ठीक है, और पानी ताज़ा होता है, फ्रेश वाटर, गंदा पानी नहीं होता। यहाँ पे आप ट्यूबवेल पे आके पानी टेस्ट कर लें तो हमारा पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ होगा, उसमें कोई ऐसी डेंजरस मॉलिक्यूल्स या फिर जरासीम वगैरह नहीं होंगे जो सेहत के लिए क्या बोलते हैं उसको, ख़तरनाक हों। तो लकड़ियाँ काटने जा रहे हैं हम। यहाँ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये चावल बीजे हुए हैं, ठीक है। इनको मैं क्लोजली अगर आपको दिखाऊं तो ये तकरीबन पक चुके हैं। ये देखें, ये कम्प्लीटली तौर पे पक चुके हैं और अभी कुछ दिन के बाद ये हार्वेस्टर आएगी और इनको लेके काटेगी और बस ये फिर यहाँ से रड़ा मैदान हो जाएगा। और भी बहुत सारी फसलें हैं जो सीज़न वाइज लोग यहाँ पे उनकी बिजाई करते हैं, कपास भी है ख़ास तौर पे। ज़्यादातर यहाँ की जो फसलें बीजी जाती हैं वो कमाद है और कपास, चावल, ये बेसिकली फसलें हैं यहाँ की। और अभी ये जो आप देख रहे हैं ये कमाद के पत्ते मुझे मेरे फेस पे टच हो रहे हैं और मेरी साइड पे ये कमाद आ गया है और इधर से ये चावल। और मैं थोड़ा इस तरफ होके चलता हूँ ताकि आप परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो। वैसे भाई हम तो गांव के रहने वाले हैं और गांव के आदि हो चुके हैं हम लोग, शुरू से हमारी पैदाइश भी गांव की है। तो सिटी के लोग गांव में नहीं रह सकते और जो गांव के लोग हैं वो भी बेसिकली ना सिटी में रहना तो पसंद करते हैं, लेकिन जब उनको मसाइल पेश आते हैं ना गांव के लोगों को, जब लगता है गैस का मसला है, पानी का मसला है, अब देखें कि पानी नहीं आता, बाज़ औक़ात सप्लाई नहीं आती और बिजली का बिल एक तो इतना आ जाता है, ऊपर से ये सारी जो एक्सपेंसेस हैं जब ये मिलते हैं तो फिर किसी गरीब इंसान का गुजारा नहीं होता। ज़ाहरी बात है गाँव में उसको ये तकरीबन इतनी ज़्यादा पे नहीं करने पड़ रहे होते जो सिटी में पे करने पड़ते हैं। तो ये कपास आ गई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई काट रहा है, ठीक है। बाय द वे अगर देखा जाए तो गांव की भी कुछ एडवांटेजेस हैं और सिटी के भी कुछ एडवांटेजेस हैं। मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी लाइफ अच्छी लगती है, विलेज लाइफ अच्छी लगती है या फिर आपको सिटी लाइफ अच्छी लगती है। मुझे तो भाई विलेज लाइफ पसंद है क्योंकि जहाँ इंसान का घर होता है इंसान को वही इलाका, वही बस्ती, वही झोंपड़ी कह लें, जहाँ इंसान की झोंपड़ी है ना तो इंसान को वही चीज़ पसंद आएगी जहाँ पे वो रहता है। अपना एक घर, अपना घर तो फिर अपनी जन्नत होता है ना। तो कुछ लोगों को सिटी लाइफ भी पसंद होती है। वैसे गांव में ये होता है कि हर चीज़ खालिस होती है,
जैसे कि मक्खन हो गया, लस्सी हो गई, दूध हो गया, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खालिस मिलती हैं इंसान को। और अगर आप शहर में चले जाएं तो शहर में मेरा नहीं ख्याल कि आपको दूध खालिस मिल सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको दही खालिस मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि आजकल सिटीज़ में बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है, गाँव में ऐसा नहीं होता। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको कौन सी लाइफ पसंद है, विलेज लाइफ पसंद है या फिर सिटी लाइफ पसंद है। ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा, अगर आप सिटी के रहने वाले हैं तो आप कहेंगे कि आपको सिटी लाइफ पसंद है, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो एब्सोल्युटली आप कहेंगे कि मुझे भाई गांव में रहना बहुत पसंद है। गांव के लोगों की अपनी रूटीन होती है और सिटी के लोगों की अपनी रूटीन होती है। अब गांव के लोग जो हैं वो सुबह सवेरे उठते हैं, अगर तो वो एजुकेटेड हैं तो वो फिर तो ऑफ कोर्स जॉब पे जाएंगे जिनकी जॉब लगी हुई है, लेकिन मोस्टली जो है गांव में लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ख़ास तौर पे हमारे जो बड़े हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि ये हमारा जो इलाका है वो बहुत जो है बैकवर्ड इलाका है और यहाँ इतनी तालीम आम नहीं थी, और ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें पढ़ाया है, आज हम कुछ उर्दू शुर्दू बोल लेते हैं और कुछ इंग्लिश वगैरह के वर्ड हमने भी सीख लिए हैं। तो सिटी में मैंने अक्सर देखा कि लोग दो दो बजे तक दुकानें इस तरह के कारोबार वगैरह खोल के बैठे रहते हैं, और वैसे भी सिटी के लोग जो है वो रात को ज़्यादातर निकलते हैं, दिन को निकलते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दिन को बड़ी ज़्यादा तेज़ धूप होती है और उनका रंग काला हो जाएगा अगर वो धूप में निकलेंगे और वो काले हो जाएंगे। मुझे तो कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि मैं पहले ही काला माला हूँ, ठीक है। तो सिटी के लोग बहुत केयर करते हैं अपनी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आप जो ख़ास तौर पे गर्ल्स हैं वो रात को क्रीम वगैरह लगा ली और सो गया और सारा दिन एसी के कमरे में पड़ा रहा और रात को बाहर निकला शॉपिंग करने के लिए, वो भी शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, यहाँ की औरतें भी वो अपनी मेहनत करती हैं, काम वगैरह करती हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी सी गपशप हो जाएगी आप सबके साथ और मेरा भी थोड़ा टाइम गुजर जाएगा, आप लोग वीडियो भी वॉच कर लेंगे। तो ये है कपास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की कपास होती है, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा। ये आप देख सकते हैं, अभी तो ये तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो ये भाई लकड़ियाँ काट के बैठा हुआ है, ठीक है, ये अब हम उठा के ले जाएंगे, हमारे पास कोई सवारी कोई चीज़ इस तरह की नहीं है। तो चलें, ठीक है, ये एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ शेयर की, आप लोगों ने वॉच की, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपना और अपने प्यारे रिश्तेदारों का और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आज अगर हम जिंदा हैं तो हमें चाहिए कि हम जिंदा लोगों की कदर करें, ठीक है, क्योंकि मरने के बाद जब हम लोगों की तारीफ़ें करते हैं तो फिर उन तारीफ़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। सो मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट किसी वीडियो में होगी मुलाकात, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और आपने मुझे बताना भी है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, सही है, बस अब ऐसे मैंने इसको बांध लिया, आप में बांध गया हूँ, पक्का जाट है, ठीक है ना, पंजाबी जाट जो होता है।